हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश की अनाज मंडियों में इन दिनों फसलों की भरमार है, साथ ही प्रशासन के दावों की परीक्षा भी है। इन तस्वीरों में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आपको प्रशासन के दावों के परीक्षा के परिणाम दिखा रहे हैं। प्रदेश की अनाज मंडियों में लापरवाही की घटना कोई नई बात नहीं है। मंडियों में हर साल लाखों टन अनाज खुले में भीग कर बर्बाद हो जाता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। फतेहाबाद, रेवाड़ी, इन सभी अनाज मंडियों में लापरवाही की वजह से हजारों टन धान, कपास बारिश की भेंट चढ़ गया। ये सब तब हुआ जब मंडी में अनाज रखने की पूरी सुविधा मौजूद है, बावजूद इसके मंडी प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसानों का धान बारिश की भेंट चढ़ गया। धान बोझ में भरे पड़े है, जमींदार का माल बिक गया है, ये फैक्ट्री में माल पड़े, ये जाए फैक्ट्री में बिगड़ हो जाएगा, मामूली मामूली बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ेगा इसे बिगड़ पाने के कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा, देखा सब इसे थोड़ा माल आया है, बच्चे बाहर करना पड़े। बताया जा रहा है कि यहाँ बिना ढके ही धान को खुले में रखा गया था। उधर चरखी दादरी में भी कुछ इसी तरीके का नजारा सामने आया। यहाँ तीन चार दिन पहले हुई बारिश से मंडी में रखी बाजरे की बोरियां भीग गई। हद तो तब हो गई जब भीगी हुई अनाज की बोरियों को वहाँ से नहीं हटाया गया और उसमें से बदबू आनी शुरू हो गई। देखो जी, ये तो बारिश होकर आई है, ये तो कुदरत की देन है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी थोड़ी सी लापरवाही एजेंसी की रही है। ज्यादा लंबे टाइम से लिफ्टिंग नहीं हो पाई, ये बाजार राशन में जाता है, फीड मिल में जाता है, ओपन ऑक्शन में जाता है, कहाँ जाता है वो तो सरकार की मर्जी है, पर फिर भी जो हुआ है लिफ्टिंग में लापरवाही प्रशासन की एजेंसियों की रही है, किसी ने कोई किसी की सुनाई नहीं की, फिर ज्यादा लेट होने के कारण ये बाजरा बीच नहीं। जानवर जिनको वजन पूरा करके नहीं रहे, जानवर खा रहा है तो आड़ती का खा रहा है, एजेंसी का क्या जाता है उसे, आड़ती जो फार्म अपने अधिकारी माल ले रहे हैं, तोल के माल ले रहे हैं। पहले बता दिया प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, पर प्रशासन ने माल ही नहीं परचेज करना चाहिए, जब लिफ्टिंग नहीं हो सकती थी, उसी प्रशासन की लापरवाही है। वही झज्जर और सफीदों की अनाज मंडी में भी एक बार फिर से हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई। सर, पहली बात तो आपको बता दूं, बरसात होती है ना, जब नुकसान नहीं होता है, क्यों खासकर जब ये एक प्रोसीजर जो है ना सरकार का, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। इन्होंने जो के हमें बार बार रिक्वेस्ट की थी, जिस जमींदार का ऑनलाइन है उन ऑनलाइन को ओपन कर दिया जाए, और ये माल बाजरा पूरा दिन में 20 ट्रॉली आई, आज के दिन हम इतने आड़ती बैठे हैं यहाँ पर, कम से कम 50-60 ट्रॉली आए तो उनकी कोई दिक्कत नहीं आई। इनको अगर जो स्पीड से ये जमींदार का माल को लेते तो एक तो जमींदार के खाते में टाइम पर पैसा जाता, अपनी जो सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई, उसमें पैसा का काम आता। दूसरा ये है कि हमें गाड़ी मांगते हैं बार बार, ये जो जमींदार का पैसा तब आता है जब गोदाम के अंदर हम इसको जमा करते हैं, जमा होने के बाद ही मतलब जमींदार के खाते में पैसा आता है। वो हमारे पास बार बार फोन करते हैं, यहाँ आकर के हमारे साथ झगड़ा करते हैं, अभी हमारा पैसा कब आएगा, पैसा तो तभी आए ना जब यहाँ से गोदाम के अंदर ये अनाज जमा हो। अनाज मंडी में बिकने के लिए आया किसान का धान पानी में बह गया और साथ ही बह गए सरकार के किसानों के उत्थान के दावे। पानी में डूबे अनाज का ये नजारा सफीदों की अनाज मंडी का है, जहां पर रात को ही बरसात की वजह से किसानों की फसल भीग गई। हालांकि सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अनाज मंडियों में खुले में पड़ा धान खराब हो रहा है। ऐसे में सरकार के ये दावे हवा हवाई दिख रहे हैं। एक तरफ जहां पहले ही फसलों के दाम कम मिल रहे थे, वहीं अब भीगी धान किसानों की इन फसलों के दाम और कम कर देगी। नुकसान है जी, लोगों के बाजरे में नुकसान तो होगा जी, जिस तरह जो कट्टा पड़ा था वो जाम में बीगा जी, ज्यादा बारिश होगी तो थोड़ी बारिश होगी, एक दिन मौसम खुल गया जी, थोड़ा ठीक भी हो जाता तो जाम में बीगा, खराब भी होगा जी। धान भी है, धाना में भी जो कट्टे पड़े हैं, ज्यादा बारिश होगी तो जाम जाएंगे जी, उनमें भी नुकसान होगा, वो तो नुकसान होने है जी। इस तरह तो बहुत ज्यादा नुकसान है भाई, जो फसल बुई है वो भी खराब होने लग रही है, और जो फसल कट रही है जो खेत में पड़ी है उसमें तो नुकसान है ना, लेबर उसने करके दे, मजदूरी डबल लग गएगी, और फिर गवर्नमेंट खरीद दे कम की, क्योंकि जो चीज खराब होगी उसमें कोई भी नहीं लेगा। ठीक है,
यानी एक तरफ सरकार का ये दावा किसानों का एक एक अनाज भी बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, दूसरी तरफ अनाज मंडियों से आई ये तस्वीरें सच और झूठ का पर्दाफाश करती हैं। ऐसे में अन्नदाता की ये मेहनत कब तक यूं ही पानी में भीग कर खराब होती रहेगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।